हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे होंगे। चलिए, आपका एटलीस्ट वेल्थ तो बचा ना सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में। मैंने आपको 200 नहीं 500 1000% बोला था कि ये शेयर गिरेगा एज पर चार्ट पैटर्न। एक विसिल ब्लोइंग का कंसेप्ट था। क्या क्या कंसेप्ट था वो मैं आपको बता देता हूँ पहले, और एक बार उसी डाटा को वापस आपको दिखा भी देता हूँ। पहला जो मैंने आपको बताया होगा वो ये बताया होगा कि सेल्स ग्रोथ निगेटिव है, ये एक कंसर्न है। इसके पास कैश फ्लो में बैलेंसेस 736 का है, वो भी निगेटिव है। और एक बार ये लो इसलिए मारने को तैयार होगा कि चार्ट पे जो पैटर्न है उसके अनुसार उसको लो जाना जरूरी है। और मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं ये वीडियो वापस आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो कि मैंने आपको स्टॉप लॉस 390 के साथ बोला था और टारगेट 30 दिसंबर को दिया था। इसके पहले भी दो तीन वीडियो आपको कंटिन्यू मैंने दिया हुआ है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्ट किया था कि अभी बाय नहीं करें आप। तो आइए एक बार मैं अपने ही वीडियो को आपको सुनाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको और भी आगे बताता हूँ। फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री पे लेके आया था, मैंने पहले भी इसमें आपको बताया था सन फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। ये अभी देखेंगे तो 14 पॉइंट आप दिखा करके ये ऊपर की और साइड, यहाँ पे आपको टारगेट 340 इस वीडियो में बताया गया आपको दिखा रहा है। और वॉल्यूम में भी देखेंगे थोड़ा इंक्रीज आपको दिखा रहा है, 1,28,00,000 का वॉल्यूम दिखा रहा है आपको। ये दिखा रहा था आपको 28 दिसंबर को दिखा रहा था, जो लास्ट क्लोजिंग थी फ्राइडे को, उस दिन का दिखा रहा था ये। अभी भी आप इसमें ट्रैप मत हो जाइएगा, मैं आपको बताता हूँ। ये 350 का लेवल आपको दिखाएगा तो दिखाएगा, ये डाउन ट्रेंड बनाएगा तो बनाएगा। अगर कोई भी इसमें फंसे हुए ऊपर की लेवल पे तो निकलने का बहुत अच्छा टाइम है। इससे आप अपनी पोजिशन को वाइप आउट कीजिए, बाहर निकलिए। ये देखिए, मैं इस वीडियो को पॉज भी कर रहा हूँ बीच बीच में, इम्पॉर्टेंट है। ये तब बताया था जब चार्ट पे ये पॉजिटिव कैंडल एक अपवर्ड लिया था ट्रैप करने के लिए, और ये देखिए अप है। ये ऐसा लो पॉइंट पे नहीं था, 425 का 14 पॉइंट से अप बनाया था। उसके बाद मैंने मना किया था कि आप फंस रहे हैं इस वीडियो इसमें ट्रैप हो रहे हैं आप, क्योंकि चार्ट पे कहीं पे भी बाइंग पैटर्न नहीं बन रहा था। मैंने इसका रीजन भी आपको बताया था। पहला तो आप देख लीजिए, शेयर होल्डर 5% के 4.78 पर प्रमोटर ने इसके गिरवी रखा है। दूसरा, जिस कंपनी का ग्रोथ ही डाउटफुल है, इसका ग्रोथ ही निगेटिव दिखा रहा है, -1.1%। अगर इसकी प्रॉफिट लॉस भी क्वार्टरली रिजल्ट भी देखा, आपको डेली पैटर्न दिखा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश होकर के देखिए, बेरिश कैंडल था बट थोड़ा सा बुलिश हुआ है यहाँ पे। आप इस पर मत जाइए। जब मैं आपको इसी का वीकली पैटर्न दिखाता हूँ, ये देखिए कौन सा पैटर्न है, ये देखिए तो कंप्लीट एमएससीडी लाइन वीकली बेसिस पे इसको क्रॉस करके नीचे की ओर जा रहा है। ये देखिए, आप एमएससीडी लाइन देखिए चाहे आरएसआई लाइन देखिए, ये 37 पे दिखा रहा है। और एमएससीडी लाइन देखिए, आप इसको वीकली बेसिस पे देखिए, ये नीचे की ओर देखिए कैसे क्रॉस कर रहा है। ये आपके वेल्थ को डुबाएगा। अभी टाइमिंग मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये एक बार वो आपको नीचे 350 पे दिखाएगा, उसके बाद ही इसको ऊपर जाना होगा तो ऊपर जाएगा किसी भी हालत में। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें अपनी पोजिशन को बनाने से कोई बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और अगर मैं आपको ऐसे भी पैटर्न दिखाऊं, तो ये जब फॉल कर रहा था कंटिन्यू, तो यहाँ तो अच्छा खासा आपका वेल चला जाएगा। ये वीडियो को पॉज करके इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ, उस वीडियो में क्या बताया था। मैं अगर इसका ट्रेंड लाइन एक बार दिखाने की कोशिश करूँ, तो ट्रेंड लाइन इसमें चूंकि कंटिन्यू फॉल हो रहा है, तो इसमें कोई खास ट्रेंड लाइन भी आपको काम और उसके बाद 355 और 355 तोड़ता है तो वापस आपको अच्छा खासा, किसी कारण ये 349 तोड़ता है तो आपको 325 तक कभी दिखाएगा, लेकिन इतना नीचे नहीं, 340 तक जा सकता है। ये 340 का लो एक बार ये बना सकता है, और ये 5000% की गारंटी है कि ये लो बनाएगा। तो अगर किसी को अगर इंटरडे करना है पढ़ते रहिए, लेकिन इसमें कोई लॉन्ग टर्म पोजिशन अभी सजेस्टेड नहीं है। फिर भी कोई भी पोजिशन बनाने से पहले, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। तो ये मेरा प्रीवियस वीडियो था, और अब इसके पहले भी सनफार्मा में एक दो वीडियो आपको पहले भी बताया हुआ मैंने, हर जगह हर लेवल पे चार, ये मैं आपको अप्रॉक्स 556 है वहाँ से रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, कोई बात नहीं चलिए। लेकिन अब लगता है मुझे कि अब इसको कोई पेनी स्टॉक के रूप में अभी तुरंत मत ले लीजिएगा, लेकिन अब इसको जिस लेवल पर ये खड़ा है, अब आज का लेवल देखें तो 390.75 पे क्लोजिंग दिया है। मीन्स कल की 18 तारीख की जो क्लोजिंग हुई है वो 300
90-75 पे हुई है। ये चलिए इसको देख लेते हैं, 390-75 पे 18 जनवरी को क्लोजिंग हुआ है, ₹35 निगेटिव होकर के। तो अब आगे क्या करना चाहिए, अब वॉल्यूम देखिए आप इस पे 8 करोड़, जो 2 करोड़ 1 करोड़ का वॉल्यूम होता था, कल 8 करोड़ वॉल्यूम के साथ सेल किया गया इसको, तो वॉल्यूम सॉलिड बहुत अच्छा हुआ है। और उसके साथ इसको तोड़ा गया है, और अगर मैं इसमें डेरिवेटिव में बात करूं तो डेरिवेटिव में तो जो पोजीशन बन रहा है 340-350 तक का बन रहा है, और अच्छा खासा सॉलिड बन रहा है, 340-350 पुट की ओर बन रहा है, लोग तो 300 पे भी बना रहे हैं, और कॉल को 350 के लेवल पे भी शॉर्ट मार रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग बिलीव देखिए लोगों का, और 400 पे तो इतना हैवी है कि अब 400 अभी तो ये क्रॉस करने वाला है नहीं, हैवी 24,43,000 कॉल को शॉर्ट किया जा रहा है, और अब पुट से जो इधर पुट शॉर्ट करके बैठे थे वो अनवाइंड कर रहे हैं। तो 400 तो अभी मुझे अभी नहीं लग रहा है कि अभी 400 क्रॉस कर पाएगा ये, लेकिन एक बार आपको वापस जो आपको बोला था मैंने 355 पहला, और पहला तो आपको 375 तो कल टारगेट अचीव हो गया उसका, 370 दिखा दिया, 350 एक बार दिखा सकता है, और अगर 350 तोड़ता है तो आपको 320 तक जा सकता है। तो अब आपको आपके क्या करना चाहिए, अभी ये देखिए एक्चुअली मैं इसलिए इसमें अभी भी कोई पॉजिटिव व्यू इसलिए नहीं देना चाहता हूँ, उसका एक कारण है कि मेरे को सेल्स ग्रोथ अभी जो इस क्वार्टर का रिजल्ट आएगा उसके बाद जब अपडेट होगा, अभी तक अपडेट हुआ नहीं है, तो वहाँ पता चलेगा इसका सेल्स ग्रोथ क्या रहा, सेल्स ग्रोथ और कैश की पोजीशन कैसी रही, क्योंकि अभी भी 24% कैश पोजीशन पे दिखा रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और अब जाकर के इसके पी रेशियो को देखेंगे, एक बार पी रेशियो देख लीजिए, अभी कल के वॉल्यूम के बावजूद पी रेशियो 38 है, अभी भी प्राइस वॉल्यूम ज़्यादा है, डिलीवरी इसकी 28-29%, इससे कोई कंसर्न नहीं है, अभी ही इसकी अगर पी यू 38 है ना तो अभी भी मैं इसमें बाय तो नहीं करूँगा। जब तक ये पी एक बार 20-22 तक 25 तक नहीं आता ना, तब तक बाइंग एटलीस्ट नहीं होगा। चार्ट में कहाँ प्रॉब्लम खाली मुझे एक दिख रहा है कि ये अब जो है एक ओवरसोल्ड कैटेगरी की तरह में जा रहा है। अगर मैं इसका RSI देखूं तो RSI देखेंगे तो ये ऑलरेडी यहाँ पे है 28-20 तक तो जाता ही है, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें 19-20 तक तो जाता ही है। तो यहाँ 19-20 के लेवल पे जब आपको दिखे RSI तो वहाँ पे एक बार पेनी स्टॉक के रूप में इन्वेस्टमेंट करना आपको, ये समझ के कि ये जीरो भी हो सकता है, तो पेनी स्टॉक के रूप में आप अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो उतना ही इन्वेस्ट कीजिएगा जितना पेनी स्टॉक में। पेनी स्टॉक में खोने को क्या होता है, मान लीजिए हमने कोई पेनी स्टॉक 2 रुपये का लिया तो खोने को 2 रुपये है, आने को कितना है, आने की बाउंड्री ऊपर साइड है, तो इसको पेनी स्टॉक समझ के आप वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली ये अच्छा नहीं है। और एक चीज़ आपको बताऊँ तो मेरे एडवाइस के अलावा किसी और का भी एडवाइस जरूर आपको सुन लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ बताता हूँ, पहला तो मुझे क्या निगेटिव लगता है कि इसको जब 5 साल का रिटर्न इसका निगेटिव है तो आगे दे देगा क्या ये, और इसके जब सब्स्टिट्यूट में मेरे पास अच्छी अच्छी कंपनियां हैं तो मेरे को इसको लेके क्यों बैठना है। लेकिन मेरे रिकमेंडेशन के अलावा मैं आपको और के रिकमेंडेशन बता देता हूं, ये मेरा रिकमेंडेशन ये जो लोगों ने बताया है, 4 दिसंबर को यहां पे बताया है आपको सारे खान ने 525 का टारगेट दिया, यहां पे 4 दिसंबर को ICICI ने 460 का टारगेट दिया, यहां पे 4 दिसंबर को एडलिविस ने 430 का टारगेट दिया है, 14 नवंबर को HDFC सिक्योरिटी ने 670 का टारगेट दिया है, यहाँ पे जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने 30 अक्टूबर को 620 का दिया है टारगेट, और मोतीलाल ओसवाल ने 19 सितंबर को 790 का टारगेट दिया है। तो अगर इनके पास सेल्स ग्रोथ का डाटा है, अगर इनको मालूम है ट्रेंड है कि डायरेक्ट इंडस्ट्री से जाके अगर बात किया इनको पता है, तब तो 630-730 की बात अच्छी लगती है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो टेक्निकली पूछूं तो टेक्निकली अब जो एक बॉटम बनाना था लगता है इसको तोड़ के नीचे आना था, वो आ चुका है, और एक बार और नीचे थोड़ा सा आएगा, तो जब ये इस लेवल तक आ जाएगा तो यहाँ से एक अपवर्ड लेगा, और ऐसा नहीं है कि अपवर्ड लेकर के ऊपर चला जाएगा, अपवर्ड लेने के बाद इस लेवल तक आ करके अपने 40% 25% रिट्रेसमेंट को लेकर के वापस एक बार नीचे आएगा, और फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। तो जब उसके बाद ऊपर जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा वहां पे उसको लेने का, अगर उस समय तक वहां पे जाता है तो उस समय जाके पोजीशन बनाया जा सकता है।
वहाँ पे अगर आप को पोजीशन बनाते हैं तो हो सकता है कि वो पोजीशन आपके लिए हो जाए, अच्छा हो जाए। मैं ऐसा करा था कि आपका ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ये छोड़ दीजिए, इसमें नहीं रहेगा। तो वहाँ पे अगर जाता है वैसे वो बनाता है तो वहाँ पे लिया जा सकता है, लेकिन मैं इसको 350 पे लेने का पसंद करूँ, पेनी स्टॉक के रूप में भी लेना पसंद करूँगा, हज़ार हज़ार रुपये भी लगाऊंगा तो मैं 350 के लेवल पे लगाना चाहूँगा। अभी मैं इसमें अभी एक फॉल और आपको देखने को मिल सकता है, और अभी 28 आर एस है, ये तो फॉल होने में कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, फॉल तो होगा ही, लेकिन अगर किसी ने मेरे कहने से रोका होगा तो 100% आपका वेल तो बच गया होगा। और अगर मैं MACD को भी अभी यहाँ पे दिखा दूँ, आज का पोजीशन भी ये देखिए जस्ट ब्रेक हुआ ही है, तो ब्रेक होने के बाद ये खड़ा तो रहेगा नहीं, नीचे तो आना ही है इसको। तो इस पोजीशन से यहाँ से भी दिखता है कि अभी आपको थोड़ा इसमें पोजीशन अभी भी निगेटिव है, और 340-330 यहाँ तक ये जा सकता है। टेक्निकली अगर टेक्निकल चार्ट के आधार पे बोलूँ तो वहाँ के बाद अब इसको 320-330 के बाद अपवर्ड लेगा और वापस आपको यहाँ पे इस लेवल तक जा सकता है, 425 तक जा सकता है, फिर उसके बाद फिर नीचे लेगा, फिर ऊपर लेगा। बेहतर क्या होगा अगर आपको ये लेवल 475 क्रॉस करता है, जो नहीं करेगा, अभी नहीं करेगा, जिस समय करेगा तो एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं आप ऊपर 604-625 के लिए बना सकते हैं। तो पहला तो आपको 475 क्रॉस करेगा तो 525, और फिर यहाँ से क्रॉस करेगा तो 500-600, इस टारगेट के लिए 475 क्रॉस करने के बाद बन सकता है। फिर भी जब एक बार अपवर्ड लेगा ये और एक फॉल एक बार और ये फॉल करेगा तो वहाँ पे पोजीशन आप देख सकते हैं क्या करना है आपको, वहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसी पे एजुकेशनल पर्पज से था, और आपको जो भी पोजीशन कहीं भी मार्केट में बनाना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।